क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टो रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस सौ की एक की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मर सन उन्नीस सौ सतहत्तर के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में डिस्टन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हैंनरी यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन है और पटकथा भी रॉबर्ट की है आधारित भी क्रे, क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन सतहत्तर के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उत्पादित किया गया रिचर्ड फिश ऑफ़ ने और श्टें, ने अभिनीति है जस्टिन होपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैंनरी और जैन एलेक्जेंडर छाइथन है नेस्टर अल्मेड्रोस और संपादित है एगेराल्स बी ग्रीन और संगीत है पोल जेमी गनी और बल हर्ब हैरिस और जॉन कैडर और ईमा ई लेविन और रोई बी योकेल्स और एंटोनी विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो लिंग भूमि का पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल माता पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्सेज क्रेमर को कोलम्बिया पिक्चर्स द्वारा सन उन्नीस uh, में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानाग में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जे आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेढ़ और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेढ़ पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी माँ की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते हैं और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेल्फस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिल्ली जंगल जिम से गिर जाता है और घायल हो जाता है टेड उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के दौरान उसे सांत्वना देता है पंद्रह महीने के बाद जोना बिल्ली की हिरासत का दावा करने के लिए कैलिफोर्निया से लौटती है जिससे एक विद कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके वकील क्रूर चरित्र हत्याओं का सहारा लेते हो ट्रेड को ट्रेड के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे पता चलता है कि उसने जवाना को उसे छोड़ने की सलाह दी और ट्रेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को स्टैंड का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक तो रूप से हानिकारक होता है अंत में टेढ़ ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोना बिली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जोना टेड से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह ही रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेड के पास है जैसे ही जो आना बिली, बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालना टेड क्रेमर के रूप में डिस्टिन ऑफ मैन ने के दाने और मेरे लिए स्टीफ जोआना के रूप में क्रेमर के रूप में नजर आई है और बिली क्रेमर क्रेमर के रूप में जस्टिन हेनरी ने के दाने मार मार्गरेट फेल्फ फेल्पस के रूप में जेन अलेक्सेंडर ने दाने पेटा किंग पेटी फेल्प्स के रूप में नजर आई है किंग फेल्स के रूप में मेलिशा मै मोरेल नजर आई है जॉन Sonesi के रूप में हॉवर्ड्स ने किरदार निभाया जिम को ऑनर के रूप में जॉर्ज ओएफ uh, at, ने किरदार निभाया और फिलिप बनार्ड के रूप में विलियम्स ने किरदार निभाया और हाउलैंड में नजर आए और डैन डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनलीफ आर के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स बेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन हॉफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की हॉफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी उन्हों इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, अरुचि के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब जे और बेटेन होपमैन के साथ प्रेम के साथ आलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर अलपरचीनों को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जॉन व्हाइट वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में जॉफ बेटे, और बेटेन से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित जीवंत करने और उनके दृश्यों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए श्रेय बेटे और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जस्टिन हैनरी को चुना और होपमैन ने हेंरी के हेंरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को अपने प्रदर्शन को और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बेटे ने साझा पटकथा का क्रेडिट की पेशकश की लेकिन होप ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराता पड़ा ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन इस्पेली टीवी श्रृंखला चार्ल्स एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः विरख्या स्थापित करने के समक्ष थे जिसमें जैक्सन अभी अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रिप को कास्ट करने के से पहले भूमिका डबे और जेन फोडा और अली मेक्रा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्टीव को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोविथ विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ़ के जाफ के सामने जोहाना के लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और और अधिक सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण से जोना के पास पहुंची और हॉपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्टीव के मंगेतर जोन के कैलेस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़त और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्ट्रिकलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन, पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वृत्त का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्क तत्कालीन पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसकी उन्हें उत्तेजित हो गया और उस दिन वे उसे निकाल दिया गया और सिनेमेटाग्राफ और नेस्टर अल्मेट्रोस कई फ्रा, फ्रांकोस इस ट्रुकोस को फिल्म में से आएगी और इस उम्मीद के साथ कहा था कि कि ट्रोफोस निर्देशक कैरे करेंगे और ट्रूफोर्ट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन और, अपने कपड़े में रही थी। और युवा जस्टिन वाले दृश्य में आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में हॉफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के निर्माण के दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के विवादस्पद कामकाजी संबंध थे और उन्नीस सौ उनासी में में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्टीव में दावा किया गया था कि होपमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके सरगोश और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए वकालत की तो उसे हफमैन ने धक्का मिला और मेडल एक्टिव तक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टो रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस की कमेरी की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्म के सन उन्नीस की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में डिस्टन हॉफमैन और मेरिन स्टीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हेनरी यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बैटनस हैं और पटकथा भी रॉबर्ट बैटन की है आधारित भी क्रे, क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन 1970 के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है। उदा उत्पादित किया गया रिचर्ड फिश ऑफ ने और इस्टे, स्टेनली ओफा जाफ ने अभिनय की चेस्टिन होपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैनरी और जैन अलेक्जेंडर छाइक है नेस्टर अलमेड्रोस और संपादित है हैं और संगीत है पोल जेमी गिनी और बल हर्ब हैरिस और जॉन कैडर और इमा ई लेविन और रोय बी योकेल्स और एंटोनी यो विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन 1979 को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो चुलिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्सेस क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर द्वारा सन उन्नीस uh, में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड़ और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेढ़ पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिल्ली को अपनी माँ की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते हैं और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेल्फस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल जिम से गिर जाता है और घायल हो जाता है टेड उसे उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के दौरान सांत्वना पंद्रह महीने के बाद जोना बिली की हिरासत का दावा करने के लिए कैलिफोर्निया से लौटती है जिससे एक विवादस्पद कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके वकील क्रूर चरित्र हत्याओं का सहारा लेते हो टेड को टेड के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे पता चलता है कि उसने जोवाना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिल्ली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जोना टेड से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिल्ली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेड के पास है जैसे ही जो आना बिली से बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालना में टेड क्रेमर के रूप में डिस्टिन हॉफ मैन ने के दाने मार्टीव जोआना के रूप में क्रेमर के रूप में नजर आई है और बिली क्रेमर क्रेमर के रूप में जस्टिन हेनरी ने के दाने मार मार्गरेट फेल्फ फेल्प के रूप में जैन अलेक्सेंडर के दाने किंग पेटिकेल्प के रूप में नजर आए किम के रूप में मेलिशा मोरेल नजर आई है जोन के रूप में हॉवर्ड्स होवर्ड्स ने किरदार ऑनर के रूप में जॉर्ज को फिलिप बनार्ड के रूप में निभाया और हाउलैंड में नजर आए और डैन टायरा कोर्ड्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनलीफ आरज के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स बेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन होफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की होफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, अरुचि के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब और बेटेन के और प्रे, प्रेम आलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर अलपरचीने को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जोन वाइट, जोन वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में जॉफ बेटे जॉफ और बेटेन से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित जीवंत करने और उनके दृश्यों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटन और, 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 और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी हैनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के वो अपने को अपने प्रदर्शन को और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बटेन ने साझा पटकता क्रेडिट की पेशकश की लेकिन होप ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन इस्तेलनी टीवी श्रृंखला चार्लीस एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः वरीयता स्थित करने के समर्थ थे जिसमें जैक्सन अभी अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रिप को कास्ट करने के से पहले भूमिका डबे और जेन फोडा और अली मेक्रा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्टीव को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोविथ विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ के जाफ के सामने जोहाना के लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने के में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और और अधिक भूत, दृष्टिकोण से जुआना के पास पहुंची और होपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्टीव के मंगेतर के कैलिस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़ और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्ट्रिकलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन, पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वृत्त का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्का तत्कालीन पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसकी उत्तेजित हो गया और उस दिन वे उसे निकाल दिया गया और और नेस्टर अल्मेट्रोस कई फ्रा, फ्रांकोस इस उम्मीद के साथ कहा था कि, कि ट्रोफोस निर्देशक कैरेट करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन

में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के के स्ट्रीम में दावा किया गया था कि होपमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके स्वर्गों से और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए के वकालत की तो उसे हफमैन ने से मिला और मेडल एक्टिवता के प्रति उनकी ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टो रिव्यू क्रेमर क्रेमर सन 1979 की अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मर के सन सौ की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में जिस्टन हॉफमैन और मेरिल जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे के और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट से है और पटकथा भी रॉबर्ट की है आधारित क्रेमर, क्रेमर सन उन्नीस सन सतहत्तर के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधर उत्पादित किया गया रिचर्ड फिस ने और इस्टे, ने अभिनीति है जस्टिन होपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैंनरी और जैन अलेक्जेंडर छाइकन है नेस्टर अलमेड्रोस और संपादित है एगेरालस बिग्रीन बर्ग और संगीत है पोल जेमी गिनी और बल हर्ब हैरिस और जॉन कैडर और ईमा ई लेविन और रोय बी योकेल्स और एंटोनि यो विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन 1979 को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो लिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्सेस क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन उन्नीस uh, में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड़ और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी माँ की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते हैं और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेल्फस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल जिम से गिर जाता है और घायल हो जाता है टेड उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के दौरान उसे सांत्वना देता है पंद्रह महीने के बाद जो आना बिली की हिरासत का दावा करने के लिए कैलिफोर्निया से लौटती है जिससे एक विधा विवादस्पद कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके वकील क्रूर चरित्र हत्याओं का सहारा लेते हैं और मार्केट को टेड के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे पता चलता है कि उसने जोवाना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोना बिली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जोना टेड से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह ही रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेड के पास है जैसे ही जोना बिली बिली से बात करने के लिए, लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढाँग में टेड क्रेमर के रूप में डिस्टिन होफमेन ने किरदाने और मेरे लिए स्टीव जोआना के, के रूप में क्रेमर के रूप में नजर आई है और बिली क्रेमर क्रेमर के रूप में जस्टिन हैंड्री ने किरदाने और मार्गरेट फेल्फ फेल्प के रूप में जेन अलेक्सेंडर ने किरदानी पेटा फेल्प्स के रूप में नजर आई है मेलिशा मोरेल नजर आई है जॉन सोनेसी के रूप में हॉवर्ड्स ड ने किरदार निभाया जिम को ऑनर के रूप में जॉर्ज को एफ ने किरदार निभाया और फिलिप बर्नार्ड्स के रूप में जोबेथ विलियम्स ने किरदार निभाया और हाउलैंड चैम्बरलैन के जज ए, ए, आट, न, एट के ने एडकिस के रूप में नजर आए और डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आर एफ आर जफ के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स बेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन हॉफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की हॉफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी उन्हों इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि उस समय वे अपने अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब और बेटेन के और प्रे, प्रेम प्रेमलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर अलपरचीनों को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जॉन व्हाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में जॉफ और बेटेन से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया किया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित

अपने प्रदर्शन को, को ए और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने, बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब होफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और ब्रिटेन ने साझा पटखता क्रेडिट की पेशकश की लेकिन होप ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना टीवी श्रृंखला चार्लिस एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः व्याख्यास्पित करने के समय थे जिसमें जैक्सन अभियान अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रिप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे ए और जेन फोडा और अली मेकरा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्टीफ को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोविथ विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ के जाफ के सामने जोहाना के लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और और अधिक भूत, दृष्टिकोण से जोआना के पास पहुंची और होपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्टीव के मंगेतर जोन के कैलेस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़त और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्ट्रिकलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमैन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालना पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तान्त का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्का तत्कालीन पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उल्फ के उहै उत्तेजित हो गया और उस दिन वे उसे निकाल दिया गया और सिनेमेटोग्राफ और नेस्टर अल्मेट्रोस कई फ्रा, फ्रांकोस इस ब्रुकोस को फिल्म में से आएगी और इसु मीट्स के साथ कहा था कि कि ट्रोफोस निर्देशक करेंगे और ट्रोफोर्ट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन

में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के साक्षात्कार के स्टीम में दावा किया गया था कि हफमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके सर्गों से और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोवाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चित्रित करने के लिए के वकालत की तो उसे हफमैन ने सीधा मिला और मेडल एक्टिव तक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सिज क्रेमर मूवी के फैक्टो रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस की उन्नासी की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मर के सन सौ की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में डिस्टन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हेनरी यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे के और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बैटन है और पटकथा भी रॉबर्ट की है आधारित भी क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन उन्नीस के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधर उत्पादित किया गया रिचर्ड ऑफ ने और श्टे, ने अभिनी है जस्टिन हॉपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैंनरी और जैन एलेक्जेंडर छाइथन है नेस्टर अल्मेड्रोस और संपादित है एगेर बी ग्रीन और संगीत है पोल जेमी गनी और बल हर्ब हैरिस और जॉन कैडर और ईमा ई लेविन और रॉय बी योकेल्स और एंटोनी विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो लिंग भूमि का पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल माता पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्सेज क्रेमर को कोलम्बिया पिक्चर्स द्वारा सन उन्नीस uh, में उन्नीस दिसंबर को नाटक रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और और व्यापक सफलता रही थी में 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 देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर एक काम व्यस्त आलोचना कार्यकारी को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जेव आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी माँ की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते हैं और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और सेल्फस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल जिम से गिर जाता है और घायल हो जाता है टेड उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के दौरान उसे सांत्वना देता है पंद्रह महीने के बाद जो आना बिली की हिरासत का दावा करने के लिए कैलिफोर्निया से लौटती है जिससे एक विद विवादस्पद कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके वकील क्रूर चरित्र हत्याओं का सहारा लेते हैं और मार टेड के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे पता चलता है कि उसने को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेढ़ की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस टेढ़ का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड़ ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोना बिली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जोना टेड से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह ही रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेड के पास है जैसे ही जो आना बिली, बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है में टेड क्रेमर के रूप में डिस्टिन ऑफ मैन ने के दाने मेरे लिए स्टीव जोआना के रूप में क्रेमर के रूप में नजर आई है और बिली क्रेमर क्रेमर के रूप में जस्टिन हेनरी ने के दाने और मार्गरेट फेल्फ फेल्पस के रूप में जेन अलेक्जेंडर ने दाने पेटा किंग पेटी फेल्प्स के रूप में नजर आए है फेल्स के रूप में मेलिशा मोरेल नजर आई है जोन सोनेसी के रूप में हॉवर्ड्स ने किरदार निभाया जिम को ऑनर के रूप में जॉर्ज ने किरदार निभाया और फिलिप बनार्ड के रूप में विलियम्स ने किरदार निभाया और हाउलैंड में नजर आए और डैन डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली स्टेनलीफ आरज के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स मेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन हॉफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की हॉफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी उन्हों इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब और बेटेन के और प्रे, प्रेम आलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर अलपरचीनों को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जॉन ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में जॉफ बेटे, और बेटेन से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित जीवंत करने और उनके दृश्यों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए याद दिलाई और बेटे और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जस्टिन हैंनरी को चुना और होपमैन ने हेंरी के हेंरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को अपने प्रदर्शन को और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बेटे ने साझा पटकता क्रेडिट की पेशकश की लेकिन होप ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराता पटुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन इस्पेली टीवी श्रृंखला चार्ल्स एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः वरीयता स्थापित करने के समक्ष थे जिसमें जैक्सन अभी अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रिप को कास्ट करने के से पहले भूमिका डुनबे और जेन फोडा और अली मेकरा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्टीव को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोविथ विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ़ के जाफ़ के सामने जोहाना के लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने के में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और और अधिक सहानुभूत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जोआना के पास पहुंची और होपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्टीव के मंगेतर के कैलिस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़ और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्टिकलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड ट्रे के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमेन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्कालीन तत पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसके वह उत्तेजित हो गया और उस दिन वह उसे निकाल दिया गया और सिनेट फ्रा, कि, कि करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उतारने में सी जग रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी नगनता छोड़े लड़के को आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में पहुंचाएगीफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के के निर्माण दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवादास्पद काम काज संबंध थे और सन उन्नीस सौ उन्नासी में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि होफमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उन के से और, और हालांकि स्टीम ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीम ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चित्रित करने के लिए वकालत की तो उसे हफमैन ने सीधा का मिला और मेडल एक्टिव तक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेस क्रेमर मूवी के फैक्टो रिव्यू क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन 1979 की, की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मन के सन्नीस सौ की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में जिस्टन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हैंनरी है। यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन से हैं और पटकथा भी रॉबर्ट बेटन की है आधारित भी क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन उन्नीस के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधर उत्पादित किया गया रिचर्ड फिश ऑफ ने और इस्टे, स्टेनली ऑफ जाफ ने अभिनीती है जस्टिन हॉपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैनरी और जैन जे, अलेक्जेंडर छायकन है नेस्टर अल्मेड्रोस और संपादित है एगेराल्स बिग्रीन बर्ग और संगीत है पॉल जेमी गिनी और बल हर्ब हैरिश और जोन कैडर और इमा ई लेविन और रोय बी योकेल्स और एंटोनी यो विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो चुलिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल, कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्सित क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन 1979 में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी मां की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते हैं और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेलफस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल

जोआना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के, के वकील के वकील ने इसके खिलाफ़ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोआना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिल्ली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जो टेड से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेड के पास है जैसे ही जो आना बिली से, बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालने में टेड क्रेमर के रूप में डिस्टिन

बर्नार्ड्स के रूप में जोबेथ विलियम्स ने निभाने में और हाउलेड चैम्बरले इनके जज एट एटकिंस के रूप में नजर आए और डैन डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आरएफ आरजफ के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स मैटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन होफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की होफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, अर, अरुचि के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब जे फॉर बेटेन होपमैन के साथ प्रेम के साथ अलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्होंने ठुकरा थुकर, दिया क्योंकि इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर, फिर अल अलपरचीनों को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जॉन वाइट, जोन वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में के बेटे से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया किया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित जीवित करने और उनके दृश्यों को भावनात्मक तो स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटेन और इस फिल्म के श्रेय दिया और हैपमैन को बच्चों के प्रति उसने प्यार की, की याद दिलाई और एक पिता की भूमिका निभाते हुए वह एक पिता बनने के करीब आ गए बेटन और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जेस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी के हेनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को पर, अपने प्रदर्शन को ए, और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधारक गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बटेन ने साझा पटकथा क्रेडिट की पेशकश की लेकिन हॉफमैन ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराना पड़ा ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन स्पेल नहीं टी वी श्रृंखला चार्लिस एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः व्याख्या स्थित करने के समर्थ थे जिसमें जैक्सन अभी अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रीप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे डुनबे और जेन फोडा और अली मेकरा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्ट्रीप को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ के जाफ के 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 सामने लिए लिए ऑडिशन देने मजबूर होने में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और अधिक और सहानु सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जोआना के पास पहुंची और होफमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्ट्रीप के मंगेतर जोन कैलिस के की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्टिगलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड ट्रे के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन, पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्कालीन तत पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसकी है उत्तेजित हो गया और उस दिन वे उसे निकाल दिया गया और कैरेट करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उतारने में से जग रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी नगनता छोड़े लड़के को आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में हफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के निर्माण के दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवाद विवादास्पद कामकाजी संबंध थे और सन उन्नीस सौ उनासी में, में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि हुक्मैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके सरगो से और, और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का स्टीव सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए वकालत की तो उसे हफमैन ने से धक्का मिला और मेडल एक्टिव तक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टर रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस अमेरिकी की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मर के सन्नीसौ सतहत्तर की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, और फिल्म में हॉफमैन और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन है। यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन से हैं और पटकथा भी रॉबर्ट बेटन की है आधारित भी करे क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन उन्नीस के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधर उत्पादित किया गया रिचर्ड फिश ऑफ ने और इस्टे, स्टेनली ऑफ जाफ ने अभिनीति है जस्टिन हॉपमैन और मैरिल स्टीफन और जेस्टिन हैनरी और जैन जे, अलेक्जेंडर छाइकन है नेस्टर अलमेड्रोस और संपादित है एगेराल्स बी ग्रीन बर्ग और संगीत है पोल जेमी गिनी और बल हर्ब हैरीश और जॉन कैडर और ईमा ई लेविन और रोई बी योकेल्स और एंटोनी, यो विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो लिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल, कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्षित क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन 1979 में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी माँ की याद आती है ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेल्फस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल

जोआना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक तो रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोआना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जो आना से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिल्ली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेट के पास है जैसे ही जो आना बिली से बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालना में टेट क्रेमर के रूप में डिस्टिन ने किरदार निभा में जैन अलेक्सेंडर के रूप में नजर आई है मेलिशा मोरल नजर आई है जोन सोनेसी के रूप में होवर्ड डे किरदार निभाया जिम कोनर के रूप में जॉर्ज कोएफ ने किरदार निभाया और फिलिप बनार्डस के रूप में विलियम्स ने में और हाउलैंड चैम्बरलेन के डैन डैन टायरा क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आर जफ के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स मेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन हॉफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की हॉफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, अर, अरुचित के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब जे फॉर प्रेम हुपेमलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई कि लेकिन उन्होंने उससे थुकर, इसे ठुकरा दिया क्योंकि इस इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर फे, फिर अलपरचीने को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जोन वाइट जॉन वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में जॉफ के के बेटे से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया किया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवत, जीवत करने और उनके दर्शकों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटेन और इस फिल्म के श्रेय दिया और हेपमैन को बच्चों के प्रति उसने प्यार की, की याद दिलाई और एक पिता की भूमिका निभाते हुए वह एक पिता बनने के करीब आ गए बेटन और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जेस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी के हेनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को पर, अपने प्रदर्शन को ए, और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बेटे ने साझा पटखता क्रेडिट की पेशकश की लेकिन हॉफमैन ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराता पर ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन स्पेल ने टीवी श्रृंखला चार्लीज एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः व्याख्या स्थित करने के समय थे जिसमें जैक्सन अभी हाँ, अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रीप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे डुनबे और जेन फोडा और अली मेकरा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्ट्रीप को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोविथ विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ़ के जाफ के सामने जोना के लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने की में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और अधिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जुआना के पास पहुंची और होपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्ट्री मंगेथर जोन के कैलिस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़त और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्टिकलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड ट्रे के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमेन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्काल तत्कालीन पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसकी वह उत्तेजित हो गया और उस दिन वह उसे निकाल दिया गया और सिनेट फ्रा, कि, कि करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उतारने में से जग रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के के को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवादास्पद काम काजी संबंध थे और सन उन्नीस सौ उन्नासी में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि होफमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके सरगोश से और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का स्टीव सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए के वकालत की तो उसे हफमैन ने से धक्का मिला और मेडल एक्टिव तक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टर रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस के कमेरी की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मन के सन्नीस सौ की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में डिस्टन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हैंनरी है। यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन हैं और पटकथा भी रॉबर्ट बेटन की है आधारित भी क्रे क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन उन्नीस के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधर उत्पादित किया गया रिचर्ड फिश ऑफ ने और इस्टे, स्टेनली ऑफ जाफ ने अभिनीति है जस्टिन हॉपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैनरी और जैन जे, अलेक्जेंडर छाइकन है नेस्टर अल्मेड्रोस और संपादित है एगेराल बीन और संगीत है पोल जेमी गिनी और बल हर्ब जोन कैडर और ईमा ई लेविन और रोय बी यो, यो विलाडली उत्पादित किया गया कोलम्बिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है चुलिंग भूमि का पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल, कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्सित क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन 1979 में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जे आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी माँ की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेलफस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल जिम से गिर जाता है और घायल हो जाता है टेड उसे, उसे कैलिफोर्निया विवादस्पद कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके वकील क्रूर चरित्र हत्याओं का सहारा लेते और को टेड के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे पता चलता है कि उसने जुआना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के, के वकील के वकील ने इसके खिलाफ़ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक तो रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जुआना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जोआना टेट से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेट के पास है जैसे ही जोआना बिल्ली बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है डार्नर में टेट क्रेमर के रूप में डिस्टिन मैन ने किरदार निभाया और मेरे लिए रूप में नजर आई है और बिली के रूप में जस्टिन हेनरी ने किरदार निभाया और मार्गरेट फेल्प्स के रूप में जैन अलेक्सेंडर ने किरदार किरदान पेटा किंग पेटी फेल्प के रूप में नजर आए है किम फेल्स के रूप में मेलिशा मोरेल नजर आई है जॉन सोनेसी के रूप में हॉवर्ड्स डक ने किरदार निभाया जिम को ऑनर uh, के रूप में जॉर्ज ओएफ ने किरदार निभाया और फिलिप बनार्ड्स के रूप में जोबेथ विलियम्स ने गिरा निभाया और हाउलैंड चैम्बरले इनके जज एट एटकिंस के रूप में नजर आए और डैन डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आर एफ आर जफ के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स बेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन होफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की होफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अरुचित अर, के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब जे फॉर बेटेन होपमैन के साथ प्रेम के साथ प्रेमलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्होंने उसे थुकर, इसे ठुकरा दिया क्योंकि इस इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर, फिर अलपरचीने को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जॉन वाइट जॉन वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में के बेटे से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया किया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित करने और उनके दृश्यों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटेन और इस फिल्म के श्रेय दिया और हैपमैन को बच्चों के प्रति उसने प्यार की, की याद दिलाई और एक पिता की भूमिका निभाते हुए वह एक पिता बनने के करीब आ गए बेटन और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी हेनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी को अपने प्रदर्शन को ए और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बेटे ने साझा पटकथा क्रेडिट की पेशकश की लेकिन हॉफमैन ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराता पर ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन स्पेल टीवी श्रृंखला चार्लीज एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः पुनर्व्याखित करने के समर्थ थे जिसमें जैक्सन अभी अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रीप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे डुनबे और जेन फोडा और अली मेकरा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्ट्रीप को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोविथ विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ़ के जाफ़ के सामने जोहाना के लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और और अधिक सहानुभूत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जोआना के पास पहुंची और होपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्ट्रिप्स मंगेथर जोन के जो कैलेस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़त और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल इस्टलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड ट्रे के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमेन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्कालीन तत पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसके वह उत्तेजित हो गया और उस दिन वह उसे निकाल दिया गया और कैरेट कि, कि करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उतारने में से जग रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी नगनता छोड़े लड़के को आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में पहुंचाएगीफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के के निर्माण दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवादास्पद काम काज संबंध थे और सन उन्नीस सौ उन्नासी में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि होफमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके इस अनुभव से और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का स्टीव सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए के वकालत की तो उसे हफमैन ने से का मिला और मेडल एक्टिव तक प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टो रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस की, की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मन के सन्नीस की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में डिस्टन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हैंनरी है। यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन्स हैं और पटकथा भी रॉबर्ट बेटन की है आधारित भी क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन 1970 के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधर उत्पादित किया गया रिचर्ड फिश ऑफ ने और इसने स्टेनली ओफा जाफ ने अभिनय है चेस्टिन हॉपमैन और मैरिल स्टीफन और जेस्टिन हेनरी और जे, जेन अलेक्जेंडर चैनकन है नेस्टर अलमेड्रोस और संपादित है एगेरल्स बी ग्रीन और संगीत है पॉल जेमी गिनी और बल हर्ब हैरीश और जॉन कैडर और इमा ई लेविन और रोय बी योकेल्स और एंटोनी यो, विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो चुलिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल, कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्सित क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन 1979 में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में, में टेड़ और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी मां की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते हैं और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेलफस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल जिम से गिर जाता है और घायल हो जाता है टेड उसे अस्पताल ले जाता विवादस्पद कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके वकील क्रूर चरित्र हत्याओं का सहारा लेते और को के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे पता चलता है कि उसने जोआना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के, के वकील के वकील ने इसके खिलाफ़ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक तो रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोआना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जो टेड से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेट के पास है जैसे ही जो आना बिली से बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेट उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालने में टेड क्रेमर के रूप में डिस्टिन

बर्नार्ड्स के रूप में जोबेथ विलियम्स ने किरदार में और हाउलेड चैम्बरले इनके जज एट एटकिंस के रूप में नजर आए और डैन डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आरएफ आरजफ के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स मेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन होफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की होफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, 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 अरुचि के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब जे फॉर बेटेन होपमैन के साथ प्रेम के साथ आलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्होंने ठुकरा थुकर, दिया क्योंकि इस इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर, फिर अलपरचीनों को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जॉन वाइट, जोन वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में के बेटे से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया किया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित करने और उनके दृश्यों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटेन और इस फिल्म के श्रेय दिया और हैफमैन को बच्चों के प्रति उसने प्यार की, की याद दिलाई और एक पिता की भूमिका निभाते हुए वह एक पिता बनने के करीब आ गए बेटन और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जेस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी के हेनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को पर, अपने प्रदर्शन को ए, और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने उन कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बटेन ने साझा पटकथा क्रेडिट की पेशकश की लेकिन हॉफमैन ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें पर ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन टीवी श्रृंखला चार्लिस एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को स्थित करने के समर्थ थे जिसमें जैक्सन अभिनय अभी कर रहे थे और मेरिल स्ट्रीप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे डुनबे और जेन फोडा और अली मेकरा को की गई, की गई थी शुरुआत में स्ट्रीप को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोविद विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ के जाफ के सामने जोहाना के लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने की में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और और अधिक सहानुभूति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जोहाना के पास पहुंची और होफमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्ट्रिप के मंगेतर जोन के कैलिस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़त और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्टिकलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड ट्रे के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद दोबहर चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमेन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्काल तत्कालीन पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसकी है उत्तेजित हो गया और उस दिन वह उसे निकाल दिया गया और सिनेट फ्रा, इस, इस कि, कि और और को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उतारने में से जग रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी नगनता छोड़े लड़के को आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में हफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के निर्माण के दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवादास्पद कामकाजी संबंध थे और सन उन्नीस सौ उनासी में, में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि हुक्मैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए के वकालत की तो उसे हफमैन ने धक्का मिला और मेडल एक्टिव तक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सिज क्रेमर मूवी के फैक्टर रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस सौ उसी कि कमेरी की एक की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मन के सन्नीस की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में डिस्टन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रिफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हैंनरी है। यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन है और पटकथा भी रॉबर्ट बेटन की है आधारित भी करे क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन 1970 के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधा उत्पादित किया गया रिचर्ड फिस ऑफ ने और इस्टे, स्टेनली ऑफ जाफ ने अभिनीति है जस्टिन हॉपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैनरी और जे, जेन अलेक्जेंडर छाइकन है नेस्टर अलमेड्रोस और संपादित है बिग्रीन बर्ग और संगीत है पोल जेमी गिनी और बल हर्ब हैरीश और जॉन कैडर और ईमा ई लेविन और रोई बी योकेल्स और यो विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो लिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल, कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्षित क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन 1979 में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी माँ की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते हैं और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेल्फस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल जिम से गिर जाता है और घायल हो जाता है टेड उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के दौरान उसे सांत्वना देता है पंद्रह महीने के बाद जोआना बिली की हिरासत का दावा करने के लिए कैलिफोर्निया से लौटती है जिससे एक विवादस्पद कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके वकील क्रूर चरित्र हत्याओं का सहारा लेते हैं और मार्केट को टेड के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे पता चलता है कि उसने जोआना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक तो रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जुआना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जो टेट से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिल्ली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेट के पास है जैसे ही जो आना बिली से बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालना में टेड क्रेमर के रूप में डिस्टिन ने किरदार निभा में जैन अलेक्सेंडर फेल्प के रूप में नजर आई है मेलिशा मोरल नजर आई है जॉन सोनेसी के रूप में होवर्ड्स डे uh, ने किरदार निभाया जिम कोनर के रूप में जॉर्ज गोएफ ने किरदार निभाया और फिलिप बनाट्स के रूप में जोबेथ विलियम्स ने गिडा निभाया और हाउलैंड चैम्बरले इनके जज एट, ने एटकिंस के रूप में नजर आए और डैन डैन टायरा कोड्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आर एफ आर के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स मेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन हॉफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की हॉफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, अर, अरुचित के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब जेफ और प्रेम हुप के साथ, प्रे, के साथ कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई कि लेकिन उन्होंने उससे थुकर, इसे ठुकरा दिया क्योंकि इस इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर फे, फिर अलपरचीने को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जोन वाइट जॉन वाइट ने इस एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल होपमैन ने फिल्म अभिनय करने और उनके दर्शकों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटेन और इस फिल्म के श्रेय दिया और हैपमैन को बच्चों के प्रति उसने प्यार की, की याद दिलाई और एक पिता की भूमिका निभाते हुए वह एक पिता बनने के करीब आ गए बेटन और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जेस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी के हेनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को पर, अपने प्रदर्शन को ए, और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहाँ बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बेटे ने साझा पटकथा क्रेडिट की पेशकश की लेकिन हॉफमैन ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराता पर ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन स्पेल ने टीवी श्रृंखला चार्लीज एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः व्याख्या स्थित करने के समय थे जिसमें जैक्सन अभी अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रीप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे डुनबे और जेन फोडा और अली मेकरा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्ट्रीप को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोवेट विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होपमैन बेटन और जाफ के जाफ के सामने जोआना के लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और और अधिक सहानुभूति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जोआना के पास पहुंची और होपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्ट्रीप के मंगेतर जोन के कैलिस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्टिकलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमेन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्काल तत्कालीन पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसकी वह उत्तेजित हो गया और उस दिन वह उसे निकाल दिया गया और, और निर्देशक कैरेट करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उगाने में से जग रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी नगनता छोड़े लड़के को आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में होफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के निर्माण के दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवादास्पद कामकाजी संबंध थे और सन उन्नीस सौ उनासी में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि होफमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके संघों और, और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का स्टीव सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए के वकालत की तो उसे हफमैन ने से धक्का मिला और मेडल एक्टिवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टर रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस की कमेरी की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्म के सन्नीस सौ की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में डिस्टन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हैंनरी है। यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन से हैं और पटकथा भी रॉबर्ट बेटन की है आधारित भी क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन उन्नीस के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधर उत्पादित किया गया रिचर्ड फिश ऑफ ने और इस्टे, स्टेनली ऑफ जाफ ने अभिनीति है जस्टिन हॉपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैनरी और जे, जेन अलेक्जेंडर छाइकन है नेस्टर अल्मेड्रोस और संपादित है एगेराल बीन और संगीत है पोल जेमी गिनी और बल हर्ब और जोन कैडर और ईमा लेविन और रोय बी योकेल्स और एंटोनी, यो विलाडली उत्पादित किया गया कोलम्बिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो चुलिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्सित क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन 1979 में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी माँ की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेलफस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल

जोआना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ़ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक तो रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोआना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जो आना से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिल्ली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेट के पास है जैसे ही जो आना बिली बिल्ली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालना में टेट क्रेमर के रूप में डिस्टिन Hoffman ने किरदार निभा और मेरे लिएक्सेंडर फेल्स के रूप में क्रेमर के रूप में, में नजर आई है किम फेल्स के रूप में मेलिशा मोरल नजर आई है जॉन सोनेसी के रूप में हॉवर्ड्स Melis, डक ने किरदार निभाया जिम ऑनर के रूप में जॉर्ज ओएफ ने किरदार निभाया और फिलिप बर्नार्ड्स के रूप में जोबेथ विलियम्स ने की जाने में और हाउलेड चैम्बरले इनके जज एट एटकिंस के रूप में नजर आए और डैन डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आर एफ आर जफ के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स मैटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन होफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की होफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अरुचि अर, के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब जेफ और बेटेन होपमैन के साथ प्रेम के साथ आलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई की। लेकिन उन्होंने उससे थुकर, इसे ठुकरा दिया क्योंकि इस इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर, फिर अलपरचीने को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जोन वाइट जॉन वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में के के बेटे से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया किया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित करने और उनके दृश्यों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटेन और इस फिल्म के श्रेय दिया और हैपमैन को बच्चों के प्रति उसने प्यार की, की याद दिलाई और एक पिता की भूमिका निभाते हुए वह एक पिता बनने के करीब आ गए बेटन और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जेस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी के हेनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को अपने प्रदर्शन को और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी, दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बेटे ने साझा पटखता क्रेडिट की पेशकश की लेकिन हॉफमैन ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन टीवी श्रृंखला चार्लिस ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः स्थित करने के समर्थ थे जिसमें जैक्सन अभिनय अभी कर रहे थे और मेरिल स्ट्रीप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे डुनबे और जेन फोडा और अली मेकर ऑफर की, की गई थी शुरुआत में स्ट्रीफ को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र ली गई थी लेकिन वह बेटन और जाफ़ के जाफ के के सामने जोहाना लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और अधिक और सहानु सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जुआना के पास पहुंची और होपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्ट्री मंगेथर जोन के जो कैलेस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़त और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्टलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड ट्रे के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमेन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्कालीन तत पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसके वह उत्तेजित हो गया और उस दिन वे उसे निकाल दिया गया और कैरेट कि, कि करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उतारने में से जग रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी नगनता छोड़े लड़के को आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में पहुंचाएगीफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के के निर्माण दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवादास्पद काम काज संबंध थे और सन उन्नीस सौ उनासी में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि होफमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके संघों से और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का स्टीव सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए के वकालत की तो उसे हफमैन ने से धक्का मिला और मेडल एक्टिव तक प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टो रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस कमेरी की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्मन के सन्नीस की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और फिल्म में डिस्टन हॉफमैन और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन हैंनरी है। यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन्स हैं और पटकथा भी रॉबर्ट बेटन की है आधारित भी क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन 1970 के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधा उत्पादित किया गया रिचर्ड फिश ऑफ ने और इसमें स्टेनली ऑफ़ जाफ ने अभिनय है चेस्टिन हॉपमैन और मैरल स्टीफन और जेस्टिन हेनरी और जे, जेन एलेक्जेंडर चाइंकन हैं नेस्टर अलमेड्रोस और संपादित है एगेर बी ग्रीन बर्क और संगीत है पोल जेमी गिनी और बल हर्ब हेरिश और जोन कैडर और ईमा और रोय बी और एंटोनी विलाडली उत्पादित किया गया कोलम्बिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो चुलिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल, कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्षित क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन 1979 में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में, में टेड़ और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी मां की याद आती है और फिर भी वे अतंत सामना करते हैं और एक मजबूर संबंध बनाना सीख जाते हैं टेड ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेलफस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल

जोआना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ़ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोआना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिल्ली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जो टेड से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेड के पास है जैसे ही जो आना बिली से बिली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालने में टेड क्रेमर के रूप में डिस्टिन

बर्नार्ड्स के रूप में जोबेथ विलियम्स ने गिनाने में और हाउलेड चैम्बरले इनके जज एट एटकिंस के रूप में नजर आए और डैन डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आरएफ आरजफ के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स मैटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन होफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की होफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, 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 अरुचि के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब जेफ और प्रे, प्रेम आलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई कि लेकिन उन्होंने ठुकरा थुकर, दिया क्योंकि इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर, फिर अल अलपरचीनों को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जॉन वाइट, जोन वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में जॉफ के बेटे से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया किया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवित जीवित करने और उनके दृश्यों को भावनात्मक स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटेन और इस फिल्म के श्रेय दिया और हैपमैन को बच्चों के प्रति उसने प्यार की, की याद दिलाई और एक पिता की भूमिका निभाते हुए वह एक पिता बनने के करीब आ गए बेटन और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जेस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी के हेनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को पर, अपने प्रदर्शन को ए, और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बटेन ने साझा पटकथा क्रेडिट की पेशकश की लेकिन हॉफमैन ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराता पर ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन स्पेल टीवी श्रृंखला चार्लीज एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः व्याख्या स्थित करने के समर्थ थे जिसमें जैक्सन अभी अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रीप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे डुनबे और जेन फोडा और अली मेकरा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्ट्रीप को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह बेटन और जाफ के जाफ के के सामने लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और अधिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जोना के पास पहुंची और होफमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्ट्री के मंगेतर जोन के कैलेस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्टिगलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड ट्रे के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमेन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन, पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्कालीन तत पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसकी वह उत्तेजित हो गया और उस दिन वे उसे निकाल दिया गया और कैरेट करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उतारने में से रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी नगनता छोड़े लड़के को आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में हफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के निर्माण के दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवाद विवादास्पद कामकाजी संबंध थे और सन उन्नीस सौ उनासी में, में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि हुफमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके सरगो से और, और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का स्टीव सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए वकालत की तो उसे हफमैन ने से धक्का मिला और मेडल एक्टिव तक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी ही थी क्रेमर वर्सेज क्रेमर मूवी के फैक्टर रिव्यू क्रेमर वर्सेज क्रेमर सन उन्नीस अमेरिकी की कानूनी ड्रामा फिल्म है जो रॉबर्ट बैटन द्वारा लिखित तो और निर्देशित है जो एवरी कॉमन कॉर्म के सन्नीसो सतहत्तर की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, और, फिल्म में और मेरिल स्ट्रीफ जेन अलेक्जेंडर और जिस्टिन है। यह एक जोड़े के तलाक और उनके छोटे बेटे और उसके प्रभाव और उसके बाद उनके रिश्ते के विकास के पालन पोषण के विचारों की कहानी है फिल्म का निर्देशन रॉबर्ट बेटन से हैं और पटकथा भी रॉबर्ट बेटन की है आधारित भी करे क्रेमर वर्सेस क्रेमर सन उन्नीस के एवरी कॉमन कॉर्मन के एक उपन्यास है उधा उत्पादित किया गया रिचर्ड फिस ऑफ ने और स्टेनली ऑफ जाफ ने अभिनीति है जस्टिन हॉपमैन और मैरिल स्टीफन और जस्टिन हैनरी और जैन जे, अलेक्जेंडर छाइकन है नेस्टर अलमेड्रोस और संपादित है एगेराल्स बी ग्रीन बर्ग और संगीत है पोल जेमी गिनी और बल हर्ब हैरिस और जॉन कैडर और ईमा ई लेविन और रोई बी योकेल्स और यो, विलाडली उत्पादित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की तारीख 19 दिसंबर सन उन्नीस को रिलीज किया गया था कार्यक्रम 105 मिनट का था देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी क्रेमर वर्सेस क्रेमर तला के मनोवैज्ञानिक और परिणामों की पड़ताल करता है जो लिंग भूमिका पिता के अधिकार कार्य जीवन संतुलन और एकल कल, कल माता-पिता जैसे प्रचलित या उभरते सामाजिक मुद्दों को छूता है क्रेमर वर्ष क्रेमर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा सन 1979 में 19 दिसंबर को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था यह एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यापक सफलता रही थी और कथानक में देखा गया कि कि टेट क्रेमर न्यूयॉर्क शहर में एक काम में व्यस्त विज्ञापन कार्यकारी के को हाल ही में एक महत्वपूर्ण खाता मिला और उसे पदोन्नत किया गया था हालांकि जब वह अपनी पत्नी जियो आना के साथ खबर साझा करता है तो उसे पता चलता है कि वह उसे और उनके बेटे बिली को छोड़ रही है प्रारंभ में में टेड और बिली को बंधन में बांधने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि टेड पर काम का बोझ बढ़ जाता है और बिली को अपनी मां की याद आती है ने अपने पड़ोसी मार्गरेट और फेल्फस से मित्रता करता है जिससे उसके बारे में जो आना को पता लगता है साथ ही एक कल माता पिता के रूप में टेड और मार्गरेट घनिष्ठ मित्र बन जाते और अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखते समय बिली जंगल

जोआना को उसे छोड़ने की सलाह दी और टेड की नौकरी छूटने और बिल्ली की दुर्घटना का उपयोग भी उसे बदनाम करने के लिए किया जाता है और अपील करने की इच्छा के बावजूद टेड के वकील के वकील ने इसके खिलाफ सलाह दी क्योंकि बिल्ली को इस का खा पर खड़ा करना और भावनात्मक तो रूप से हानिकारक होता है अंत में टेड ने हिरासत का विरोध न करने का निर्णय लिया जिस दिन जोआना बिल्ली की को ले जाने आती है तो टेड और बिली मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं और जो आना से कहती है कि वह चाहती है कि उसने बिल्ली के नए कमरे को उसके पुराने कमरे की तरह रंग दिया और रोते हुए स्वीकार करती है कि उसका असली घर टेट के पास है जैसे ही जो आना बिली बिल्ली से बात करने के लिए लिफ्ट में प्रवेश करती है तो टेड उसे बताता है कि वह बहुत बढ़िया लग रही है ढालना में टेढ़ क्रेमर के रूप में डिस्टिन

बनाट्स के रूप में जोबेथ विलियम्स ने गिरफ्तार में और हाउलैंड चैम्बरलेन के जज एटने एटकिंस के रूप में नजर आए और डैन डैन टायरा कोर्ट्स क्लर्क के रूप में नजर आए उत्पादन में देखा गया निर्माता स्टेनली आरएफ एफ आर के लेखन के निर्देशक रॉबर्ट्स मेटर ने एवरी कॉमन का स्रोत उपन्यास पढ़ा और कहानी में उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म ए, फिल्म के बाद अधिकार खरीद लिए और डस्टिन हॉफमैन एकमात्र अभिनेता से जिनकी उन्होंने ट्रेड क्रेमर की मुख्य भूमिका की कल्पना की हॉफमैन को जो स्वयं उस तलाक के दौरान गुजर रहे थे तो शुरू में उनकी इस भूमिका को ठुकरा दिया उन्होंने तब से कहा कि ये उस समय वे अपने आस अवसाद और हॉलीवुड के प्रति अर, अर, अरुचि के कारण फिल्म अभिनय छोड़ना और मंच पर लौटना चाहते थे जब और बेटेन, के और प्रे, प्रेम आलाप कर रहे थे तो जब तब जेम्स केन को यह भूमिका ऑफर की गई कि लेकिन उन्होंने उससे थुकर, इसे दिया क्योंकि इस इन्हें चिंता के साथ थी कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और फिर फिर अल अलपरचीने को यह भूमिका ऑफर की गई लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं है जोन वाइट जॉन वाइट ने इसे एक भूमिका ठुकरा दी और होपमैन की मुलाकात अगाथा के निर्माण के दौरान लंदन के एक होटल में के के बेटे से हुई और इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त दिया किया कि होपमैन ने फिल्म अभिनय के प्रति अपने प्यार को फिर से जीवत, जीवत करने और उनके दर्शकों को भावनात्मक तो स्तर को प्रेरित करने के लिए बेटेन और इस फिल्म के श्रेय दिया और हैपमैन को बच्चों के प्रति उसने प्यार की, की याद दिलाई और एक पिता की भूमिका निभाते हुए वह एक पिता बनने के करीब आ गए बेटन और जोफन ने बिली की भूमिका निभाने के लिए जेस्टिन हेनरी को चुना और होपमैन ने हेनरी के हेनरी जो उस समय सात वर्ष का था जो सहज बनने के लिए प्रत्येक दृश्य में उसके साथ बड़े पैमाने पर काम किया बेटन ने हेनरी के को पर, अपने प्रदर्शन को ए, और अधिक स्वाभाविक बनने के लिए के लिए सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया प्रसिद्ध आइसक्रीम और दृश्य जहां बिली ने बिली ने रात का खाना छोड़कर आइसक्रीम खाकर टेड को चुनौती दी कि वह सब हॉफमैन और हेनरी द्वारा सुधार गया एक हैपमैन ने कई व्यक्तिगत क्षणों और संवादों में योगदान दिया और बटेन ने साझा पटकथा क्रेडिट की पेशकश की लेकिन हॉफमैन ने इनकार कर दिया केट जैक्सन को जोना क्रेमर की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन उन्हें इसे ठुकराता पर ठुकराना पड़ा क्योंकि निर्माता आरोन स्पेल टीवी श्रृंखला चार्लीज एंजल्स ने शूटिंग शेड्यूल को पुनः व्याख्या स्थित करने के समय थे जिसमें जैक्सन अभी अभिनय कर रहे थे और मेरिल स्ट्रीप को कास्ट करने के से पहले भूमिका फे डुनबे और जेन फोडा और अली मेकरा को ऑफ की गई ऑफर की गई थी शुरुआत में स्ट्रीप को फिलिप्स के रूप में चुना गया था और भूमिका तंत्र जोविथ विलियम्स द्वारा ली गई थी लेकिन वह होफमैन बेटन और जाफ़ के जाफ़ के जो आना के सामने लिए ऑडिशन देने के लिए मजबूर होने की में सक्षम थी उसे उपन्यास की और पटकथा से चरित्र असंगत था लगा और अधिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से जुआना के पास पहुंची और होपमैन का मानना है कि कुछ महीने पहले ही स्ट्री के मंगेतर जोन के कैलिस की मृत्यु हो गई और उन्हें प्रदर्शन के लिए भावनात्मक बढ़त और अभी भी ताजा दर्ज किया गया था स्टीव को फिल्म पर केवल बारह दिन काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और गेल स्टलैंड को पहले ट्रे, पहले ट्रेड के पड़ोसी मार्गरेट के रूप में चुना गया था लेकिन फिल्मांकन के एक सप्ताह के बाद वह चली गई और उनकी जगह जेन अलेक्जेंडर ने ले ली और माइकल सुलमेन का दावा है कि हॉपमैन के साथ फिल्मांकन की तीव्रता से स्ट्रिकलैंड इतनी घबरा गई थी कि वह हकलाने लगी और जिससे उनकी पंक्तियों का पालन पालन करना मुश्किल हो गया इसके स्ट्रिकलैंड ने स्वयं एक वर्तांत का खंडन करते हुए और हॉपमैन द्वारा दी गई तत्कालीन तत पंक्तियों को जल्द ही याद किया और उसकी वह उत्तेजित हो गया और उस दिन वह उसे निकाल दिया गया और सिनेट फ्रा, कि, कि करेंगे और ट्रूफोट को इसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वे अपनी परियोजनाओं से व्यक्त थे और सुझाव दिया गया कि पटकथा लेखक रॉबर्ट बेटन स्वयं फिल्म का निर्देशन करे और जोबेथ विलियम्स अपने कपड़े उगाने में से जग रही थी और खासकर युवा जस्टिन हैनरी वाले दृश्य में उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी नगनता छोड़े लड़के को आघात पहुंचाएगी इसके बाद विवाद में पहुंचाएगीफमैन के बारे में व्यक्त रूप से बताया गया था कि उन्होंने फिल्म के निर्माण के दौरान स्ट्रीप को परेशान किया था और दोनों के बीच के बीच विवादस्पद कामकाजी संबंध थे और सन उन्नीस सौ उनासी में, में टाइम पत्रिका के एक साक्षात्कार के स्ट्रीप में दावा किया गया था कि होपमैन ने उनकी पहली मुलाकात में उनके सरगोश से और, और हालांकि स्टीव ने एक प्रतिनिधि में कहा था कि लेख उस बैठक का स्टीव सटीक प्रतिपादन नहीं था जब स्टीव ने जोहाना को लिखे गए थे कि आधुनिक साल सहानुभूति और कमजोर के रूप में चरित करने के लिए के वकालत की तो उसे हफमैन ने से धक्का मिला और मेडल